तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हरियाणा असेंबली इलेक्शन टॉपिक. हरियाणा असेंबली इलेक्शन पेपर में इस पे नोट भी आ जाता है. राइट नोट ऑन हरियाणा असेंबली इलेक्शन. यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट द आउटलाइंस ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. तो इन हरियाणा इलेक्शंस वर हेल्ड इन, हम बात कर रहे हैं 1987 की, ठीक है. अब 1987 से पहले, लिसन केयरफुली, हरियाणा वाज रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी. कांग्रेस बिकेम द रूलिंग पार्टी इन 1982 एंड व्हेन इट्स टेन्योर वाज कंप्लीटेड In 1987, its tenure was completed in 1987 after 5 years. तो हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस होने थे. चौधरी देवीलाल, he was the leader of the opposition party and he joined his hands with other political parties to form an alliance to become powerful. He joined hand with other political parties. उसे कहा गया अलायंस, लोकदल एंड अलायंस, के दूसरों के साथ हैंड ज्वाइन करके पावरफुल बनना. चौधरी देवीलाल लेड द मूवमेंट न्याय युद्ध. न्याय युद्ध का मतलब है स्ट्रगल फॉर जस्टिस. वन मार्क क्वेश्चन, हु लेड द मूवमेंट न्याय युद्ध? चौधरी देवीलाल. What do you mean by न्याय युद्ध? Struggle for justice. तो चौधरी देवीलाल led this movement. He was the leader of लोकदल. लोकदल का लीडर था. लोकदल was the opposition party of Congress. तो हरियाणा में असेंबली elections 1987 के जब हुए, बिफोर elections चौधरी देवीलाल ने अपना जो मैनिफेस्टो इशू किया ना, ही डिड कैंपेनिंग एंड ही इशूड अ मैनिफेस्टो. यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू व्हाट्स मैनिफेस्टो, अ बुकलेट इन विच पार्टी गिव इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू अट्रैक्ट द वोटर. तो चौधरी देवीलाल ने उसमें क्या प्रॉमिस किया, दैट आफ्टर कमिंग टू पावर ही वुड वेव the loans of small businessmen, farmers and agricultural laborers. उसने कहा कि पावर में जब वो आएगा ना, तो आते ही वो किसके लोन माफ कर देगा? फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन. उसने कहा जैसे ही पावर में आएगा सबके लोन माफ कर देगा. अब वैसे भी हरियाणा के लोग जो थे, दे वर नॉट satisfied by the Congress. हमेशा नोट करना, पीपल नेवर गॉट सेटिस्फाइड बाय द रूलिंग पार्टी. कभी भी जो गवर्नमेंट रूल कर रही होती है ना, लोग हमेशा उसको क्रिटिसाइज ही करते दिखेंगे. नो डाउट चाहे वोट भी खुद की हो उसकी फेवर में, बाद में लोग आपको हमेशा मिलेंगे क्रिटिसाइज करते हुए. तो बाद में अगर दूसरी पार्टी आती है तो लोग कहेंगे कि पहले वाली पार्टी वाज बेटर. इस वजह से लोग कभी भी रूलिंग पार्टी को की प्रेज आपने कम ही सुनी होगी, क्योंकि ये रूल ही है कि पीपल ऑलवेज सॉ देयर पावर होल्डर्स क्रिटिकली. लोग हमेशा अपने पावर होल्डर्स को क्रिटिकली देखते हैं. इफ गवर्नमेंट गिव फैसिलिटीज, पीपल डिमांड मोर. पीपल नेवर गेट सेटिस्फाइड बाय द फैसिलिटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट. कभी भी नहीं देखा होगा आपने, चाहे गवर्नमेंट कितनी मर्जी फैसिलिटीज दे दे, पीपल नेवर गेट सेटिस्फाइड. दे डिमांड मोर एंड मोर. दे सॉ देयर पावर होल्डर्स क्रिटिकली. क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक दम बेस्ट. वो चाहते हैं वो और बेस्ट बने. तो हमेशा उनमें कोई ना कोई बुराइयां ढूंढते रहेंगे. तो सेम एज इन हरियाणा, हरियाणा में 1987 की बात हम कर रहे हैं, पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड बाय द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. अभी तो कांग्रेस ही थी ना, अभी तो इलेक्शंस होने थे, तो पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड बाय द कांग्रेस. तो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, कैंपेनिंग वगैरह हो गई, जब इलेक्शंस हुए तो पीपल, जो लोग थे वहां पे, दे कास्टेड देयर वोट होल हार्टेडली
इन द फेवर ऑफ लोकदल, उन्होंने लोकदल की फेवर में दिल खोल के वोटिंग की। अब लोकदल वॉन, देखो कितनी सीट से ये जीत गई, लोकदल वॉन 76 सीट्स आउट ऑफ 90 में से 76 सीट्स को लोकदल नहीं, लोकदल एंड इट्स अलाइज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसने हैंड ज्वाइन किए थे दूसरी पार्टीज के साथ, पता है ना। तो लोकदल एंड इट्स अलाइज दे गोट 76 सीट्स आउट ऑफ 90, कितना कितनी मेजोरिटी, देखो कितनी ज्यादा सीट से ले गए। अकेली लोकदल की अगर बात करें तो लोकदल अकेली को मिले 60 सीट्स अकेली लोकदल को, 16 मतलब किसकी हो गई, अलाइस की, अलाइस पता ना जिन्होंने हैंड ज्वाइन किए थे। तो लोकदल को 90 में से, लोकदल एंड अलाइस को 90 में से 76 सीट्स मिले, अकेली लोकदल को कितने मिले 60, अलाइस को 60। कांग्रेस जो कि तब रूलिंग थी, कांग्रेस गोट ओनली 5 सीट्स, सिर्फ 5 सीट्स कांग्रेस को मिली जो कि रूलिंग थी, मतलब लोग उससे सेटिस्फाइड अब नहीं थे, बाकी रेस्ट को मिले होंगे जो अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं। तो इस वजह से हरियाणा में इलेक्शंस जो थे वो जब हो गए तो लोक दल एंड अलाइस जीत गए, कांग्रेस सिर्फ 5 सीट्स के साथ रह गई। अब इतना तो आपको पता ही है कि जो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी होता है, तो यहाँ पे हरियाणा में मेजोरिटी पार्टी कौन है, लोक दल, क्योंकि लोक दल अकेली को कितनी सीट्स मिली 60। अगर हम हाफ की भी बात करें ना, तो अगर ये 50 सीट्स भी लेके जाते हैं ना, 45 हाफ बनता है 90 का, 45 से ज्यादा सीट्स चाहिए थी इनको मेजोरिटी शो करने के लिए, तो अगर ये 50 भी लेते तो ये जीते हुए थे, बट अकेली लोकदल कितनी सीट्स ले गई 60। तो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी कौन बनता है, यू नो इट वेरी वेल, अगर वो स्टेट की इलेक्शन है तो चीफ मिनिस्टर, अगर वो कंट्री की इलेक्शन है तो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी कौन बनता है, प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी कौन है, चौधरी देवीलाल, ठीक है, चौधरी देवीलाल वाज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, ही वाज कॉल्ड बाय गवर्नर। अब ओथ कौन दिलवाता है चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर, अगर कंट्री की इलेक्शंस हैं तो प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट। तो गवर्नर ने चौधरी देवीलाल को बुलाया, इन्विटेशन दिया, चौधरी देवीलाल की ओथ सेरेमनी हुई और उसके एमएलएस की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जिसको कहते हैं, अगर वो कंट्री के होते हैं तो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो स्टेट के हैं तो एमएलएज होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उनकी ओथ सेरेमनी हुई, किसने दिलवाई ओथ, गवर्नर, ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर हम कहेंगे कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलवा रहा, अपने आप ही पर्सन थोड़ा खड़ा होकर कह देता कि आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, नो, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी जो होता है वो बनता है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो उसको ओथ कौन दिलवाता है, गवर्नर। अब चौधरी देवीलाल जो था वो चीफ मिनिस्टर बन गया, आते ही सबसे पहले उसने, और जब अपना मैनिफेस्टो इशू किया था ना उसमें उसने एक और बात बोली थी कि उसकी गवर्नमेंट का फर्स्ट वर्क जो होगा ना वो लोन माफ करना ही होगा, उसने एक तो कहा था कि वो लोन माफ करेगा, फिर साथ में उसने कहा कि ये फर्स्ट वर्क ही यही होगा। अब वो जब गवर्नर बन, चीफ मिनिस्टर बन गया, तो उसने सबसे पहले ऑर्डर इशू किया असेंबली में कि जितने भी आउटस्टैंडिंग लोन है ना पीजेंट्स के ऊपर या एग्रीकल्चरल लेबरर्स के ऊपर या छोटे बिजनेसमैन के ऊपर, वो सब माफ किए जाए। तो इसने माफ किए, जो जो इसके प्रोमिसेस थे इसने पूरे किए, बट ही रूल्ड ओनली फॉर 4 years, मीन्स वही बात, लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि लोग सेटिस्फाइड नहीं रहे, और इसको पूरा टेन्योर भी रूल करने नहीं दिया, ही रूल्ड ओनली फॉर 4 years। तो इसकी गवर्नमेंट जो है वो इसकी डिसॉल्व होगी 19, अपने आप प्लस करो 1991, 4 प्लस करोगे 87 में तो 1991, वैसे तो 1992 में होने थे इलेक्शंस, बट 1991 में दोबारा इलेक्शंस करवाने पड़े हरियाणा में, एंड अगेन दिस टाइम कांग्रेस केम टू पावर। अब फिर कौन आ गई पावर में, कांग्रेस। लोग देखो कैसे होते हैं,
एक पार्टी जाती है, फिर उसको याद करते हैं कि ये बेस्ट थी जो रूल कर रही होती है, उसमें वो क्रिटिसिज्म निकाल, उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसमें उसकी जो भी ड्रॉबैक्स देखते रहते हैं उसके, फिर जब वो जाती है तो फिर दूसरी आ जाती है, फिर उसमें कोई ना कोई कमियां निकालते हैं। तो डिपेंड अपॉन द विश ऑफ द पीपल ये सब। अब मैंने एक बात बोली, गवर्नर, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आपको पता है गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। जितनी स्टेट्स के गवर्नर्स है ना, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की पावर है। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हमेशा नोट करना, गवर्नर कभी भी उस स्टेट का रेजिडेंस नहीं हुए, रेजिडेंट नहीं हुए, उस स्टेट का रेजिडेंट कभी नहीं होता जिस स्टेट में वो गवर्नर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पंजाब का गवर्नर है तो मे बी फ्रॉम गुजरात, तमिलनाडु, केरला और राजस्थान और एनी अदर स्टेट, बट पंजाब का पर्सन, पंजाब का रेजिडेंट कभी भी पंजाब का गवर्नर नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब ये चीफ मिनिस्टर नहीं बन, जैसे अब रहे है ना, कल को डिपेंड अपॉन द विश ऑफ प्रेसिडेंट कि इनको गवर्नर बना के कहीं और दूसरी स्टेट में भेज दिया जाए, तमिलनाडु भेज दिया जाए, हरियाणा भेज दिया जाए, महाराष्ट्र भेज दिया जाए, डिपेंड अपॉन द विश ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमेशा गवर्नर को अपॉइंट करता है और गवर्नर कभी भी उस स्टेट का पर्सन नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नर इज एन एम्प्लॉई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट। गवर्नर एक सेंटर का एम्प्लॉई है स्टेट में। गवर्नर कीप्स एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रॉपर फंक्शन कर रही है, कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट करप्शन तो नहीं कर रही, कहीं पे मिसयूज तो नहीं कर रही पावर, माइनॉरिटीज के साथ इनजस्टिस तो नहीं कर रही, तो दिस वर्क सेक्युलरिज्म को प्रॉपर फॉलो कर रही है। तो ये सब कुछ गवर्नर जो है ना, ये रिपोर्ट प्रिपेयर करके सेंटर को देता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के जो, मतलब आप ये याद रखो कि गवर्नर जो है दैट इज ही इज एन एम्प्लॉई ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रॉपर गिव्स रिपोर्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब गवर्नर खुद, गवर्नर किसको अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर तो ऑलरेडी बना बनाया कौन होता है? वो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द, अगर तो वो असेंबली इलेक्शन है तो असेंबली लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, अगर वो प्राइम मिनिस्टर है तो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी लोकसभा, अगर वो कंट्री के इलेक्शंस हैं तो इस वजह से। तो अब हरियाणा में इलेक्शंस जो है, पेपर में अगर नोट आ जाए कि राइट नोट ऑन हरियाणा असेंबली इलेक्शंस, तो आपने बताना कि 1982 में हरियाणा में कांग्रेस वाज द रूलिंग पार्टी। आफ्टर 5 years व्हेन इट्स टेन्योर वाज कंप्लीटेड, इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन हरियाणा एंड ओपोजिशन पार्टी इन दोज डेज वाज लोकदल। अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट कर लेना ना इसको, कि लोकदल एंड लीडर ऑफ लोकदल वाज चौधरी देवीलाल। He led the movement Nyayod, struggle for justice, and he issued his manifesto in which he promised that after coming to power he would waive the loans of farmers, agricultural laborers, small businessmen. Before elections he joined hands with other political parties, form an alliance. Punjab mein bhi to tha alliance, kis kis mein tha? श्रोमणी अकाली दल एंड बीजेपी, पता है ना अलायंस था, तो इधर भी अलायंस बना। अब इलेक्शंस आए, लोकदल को मिली, लोकदल एंड अलायंस को मिली 76 सीट्स आउट ऑफ 90। अकेली लोकदल को कितनी मिली? 60, अलायंस की 16 थी, कांग्रेस की 5, रेस्ट बाकी आपको के अदर्स की थी। इन दिस वे लोकदल ने अपनी मेजोरिटी शो की। लीडर ऑफ लोकदल वाज चौधरी देवीलाल। He was invited by governor and oath ceremony of chief minister was conducted by governor with MLAs, sab ki hui. After coming to power he declared that to waive the loans of small businessmen, farmers, ye sab kuch usne declare kiya. First work tha uska after coming to power, but his party became unpopular and he ruled only for 4 years. In 1991 elections were again conducted in Haryana and this time again Congress won the
elections. Again, powers came in the hands of Congress because we are doing 1987 का period, एक तो आप 1982, यहाँ पे years कौन कौन से learn करने हैं, 1982, 1987, 1991, and again you have to learn Nyayud, struggle for justice, कौन सी movement, किसने लॉन्च की, ये सारे वन मार्क क्वेश्चंस हैं. किसको नोट दिलवाता है चीफ मिनिस्टर को, यू शुड नो, गवर्नर पता है ना, अलाइज क्या होता है, यू शुड नो, ये सारा आपको आना चाहिए. बिफोर इलेक्शंस व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन हैंड्स विद अदर पॉलिटिकल पार्टी टू कम टू पावर दैट इज नोन एज एन अलायंस. आफ्टर इलेक्शंस व्हेन वन पार्टी दैट इज द रूलिंग पार्टी द विनर पार्टी, आफ्टर इलेक्शन व्हेन विनर पार्टी, जो भी विनर पार्टी होती है, कैन नॉट शो इट्स मेजोरिटी, जो अपनी मेजोरिटी शो नहीं कर पाती बट होती विनर है, हैज टू ज्वाइन हैंड्स विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू शो मेजोरिटी एंड टू फॉर्म गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज कोलिजन, उसे हम कहेंगे कोलिजन. ठीक है, तो एक तो ये याद रखना. अब इसके बाद आपको ये सारे वन मार्क भी इसमें से बन गए. आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन, राइट नोट ऑन हरियाणा असेंबली इलेक्शन. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो इस बुक के अकॉर्डिंग है ना, दैट इज व्हाट आर इलेक्शंस, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, नो नीड टू लर्न फ्रॉम द बुक. बुक से करके क्रैमर नहीं बनना, आप अपने आप जनरल व्यूज दो अपने कि हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज इलेक्शन फॉर द, आप कहोगे व्हाट इज, व्हाट डू मीन बाय इलेक्शंस, प्रोसेस बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड इलेक्शन, एंड इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर फिक्स टेन्योर. क्योंकि आप यहाँ पे इयर्स नहीं बताओगे, फिक्स टेन्योर में इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप इंडिया लिख रहे हो देन यू कैन राइट 5 ईयर्स, बट अगर आप नहीं लिख रहे ना तो आप लीव इट, आप ऐसे ही छोड़ो कि इलेक्शंस आर हेल्ड इन एवरी कंट्री आफ्टर फिक्स टेन्योर. फॉर एग्जांपल यूएसए में तो 4 साल बाद होते हैं, मेक्सिको में 6 साल बाद होते हैं, इंडिया में तो 5 साल बाद होते हैं, तो आपको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है. आप बताओ कि इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर फिक्स टेन्योर, फिक्स टेन्योर के बाद इलेक्शंस होते ही होते हैं. अब आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, क्यों चाहिए इलेक्शंस. अपने आप सोच के देखो, मैं पूछूं कि एग्जाम्स क्यों होते हैं, क्यों एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि एक मिनट, अगर एग्जाम्स नहीं होंगे आप बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं रहेगी. फर्स्ट कौन है अभी एट प्रेजेंट, सेकंड, चलो ठीक है एक मिनट, सेकंड वाला बच्चा जरूर चाहेगा कि मैं टॉप पोजीशन पे आऊं, थर्ड वाला भी चाहेगा, बाकी के सारे बच्चे जितने क्लास में 47-48 बच्चे हैं वो जरूर चाहेंगे कि वाई कि ये वाले बच्चे की, why not me? तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है. चाइना में हम कहते हैं कि वन पार्टी, चाइना में वन पार्टी, वही रूलिंग पार्टी, वही पावर में आनी है, तो वो जो वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरियल भी हो जाती है. अगर इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो ये जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, जो पॉलिटिशियंस हैं, इनमें तो कॉम्पिटिशन ही नहीं हुआ. इलेक्शंस मेक द कैंडिडेट्स या पॉलिटिशियंस अकाउंटेबल, इलेक्शंस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं. अकाउंटेबल मींस आंसरेबल. इलेक्शंस फिक्स टेन्योर के बाद होते हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड दे वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल बिकॉज दे हैव टू फेस देम इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. क्योंकि उनको डर होता है हर टाइम कि नेक्स्ट इलेक्शंस में हमने फिर इनको फेस करना है, यही लोग हैं जो हमारी फेवर में वोट डालेंगे. तो दैट्स वाई इलेक्शंस जो है ना वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल बनाते हैं, आंसरेबल बनाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को. अगर इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो क्या वो मिनिस्टर्स या लीडर्स अकाउंटेबल रहेंगे, क्या वो लोगों की विशेष के अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे, नहीं कभी भी नहीं करेंगे. क्या वो बेस्ट पॉलिसीज बनाएंगे, इलेक्शंस हैं तो उन्हें मैनिफेस्टो इशू करने पड़ते हैं. अगर इलेक्शंस ही नहीं है तो वन पार्टी कैन बिकम डिक्टेटरियल, एक ही पार्टी डिक्टेटरियल होकर बैठ जाएगी, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी. दिस वीकेंड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. इफ इलेक्शंस आर नॉट कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट देन इट वीकेंड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि इलेक्शन इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. तो एक इलेक्शंस के थ्रू ही हमें सिविल लिबर्टीज मिलती है, पीपल आर गिवन सिविल लिबर्टीज only because of elections are conducted, because
पार्टीज, अभी एक मिनट, चौधरी देवी लाल ने कहीं ना कहीं तो हम कहेंगे कि डिसएडवांटेज ग्रुप के लोगों को फायदे होते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज मेक वेरियस प्रॉमिसेस एंड आफ्टर कमिंग टू पावर दे हैव टू फुलफिल दोज, सो समटाइम्स पीपल ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स दैट्स बेनिफिट, उन्हें बेनिफिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे इधर चौधरी देवीलाल ने लोन ही वापस किए, आउटस्टैंडिंग लोन माफ कर दिए उनके, कहीं ना कहीं लोगों को फायदा तो हुआ ना। अगर इलेक्शंस ही ना होते, कांग्रेस तो रूल कर ही रही थी, तो फिर वो कांग्रेस अकेली डिक्टेटरियल बन के बैठ जाती, फिर कांग्रेस में कुछ बेस्ट उसने पॉलिसीज प्ले अपनी बनाई हुई, दैट्स वाई अगेन कांग्रेस केम टू पावर ना। तो इसी वजह से इलेक्शंस जो है वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाते हैं, साथ में हम कहेंगे पॉलिटिशियंस जो है उनको हर टाइम एक डर रहेगा कि दे हैव टू फेस पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, क्योंकि लोगों की मर्जी है, पीपल हैव फुल राइट्स टू थ्रो द गवर्नमेंट, लोग गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। हरियाणा में आपने अभी पढ़ा है कि 4 साल वो रूल कर पाए, मीन्स लोग ही हैं जो गवर्नमेंट को पावर में लाते हैं। अगर इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो लोगों को चांस ही नहीं मिलेगा वोटिंग करने का, ना कोई पार्टी अपनी पॉलिसीज बनाएगी, ना तो कैंडिडेट आंसरेबल होंगे, कोई भी कैंडिडेट आंसरेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्शंस ही हैं जो उनको आंसरेबल बनाते हैं, ठीक है। एंड इन इंडिया, फिर इसमें एक आपका आ जाता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, क्यों हमें इलेक्शंस चाहिए, ठीक है। इसको आप अपने वे से बना के लिख सकते हो, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, आप अपने आप बताओ, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। गवर्नमेंट क्या बनती है? अकाउंटेबल और लेजिटिमेट भी है ना, इस लेजिटिमेट, क्योंकि रूलिंग पीपल रिप्रेजेंटेटिव दे आर इलेक्टेड बाय पीपल, रिप्रेजेंटेटिव को कौन इलेक्ट कर रहा है? पीपल, और वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, दे कांट डू देयर, दे कांट रूल अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द, बिकॉज दे हैव टू फेस पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, क्योंकि उनको लोगों को नेक्स्ट इलेक्शंस में फिर फेस करना है। तो इसलिए इलेक्शंस होने चाहिए, कॉम्पिटिशन लेके आते हैं। हर पॉलिटिशियन, हर पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू मेक इट्स मैनिफेस्टो बेस्ट, अगर इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो मैनिफेस्टो नहीं होंगे, अगर इलेक्शंस हैं तो मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग चॉइस मिलती है। पॉलिटिकल पार्टीज गिव चॉइस टू द वोटर्स। तो इंडिया जैसी कंट्री जहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, तो ऐसी कंट्री में विदाउट रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम रहेगी। नो वन कैन हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, कोई भी लोगों की प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक नहीं लेके जाएगा। दिस रोल इज प्लेड ओनली बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर इलेक्शंस होंगे बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस होंगे ना, तो कैंडिडेट्स ऑलवेज ट्राई टू वर्क बेस्ट, हर टाइम वो बेस्ट वर्क करेंगे। डिसएडवांटेज ग्रुप के लोगों को फायदे होंगे, बिकॉज ड्यूरिंग इलेक्शंस पार्टीज मेक वेरियस प्रोमिसेस कि आफ्टर कमिंग टू पावर दे वुड डू दिस, दे वुड डू दिस, एंड आफ्टर व्हेन पार्टी, जो पार्टी प्रोमिसेस करती है, पार्टी बिकम विनर, देन आफ्टर कमिंग टू पावर पार्टी हैज टू फुलफिल इट्स प्रोमिसेस, क्योंकि उसको फिर वो अपने प्रोमिसेस पूरे भी करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर उसको डर होता है कि अगर वो नहीं करेगी तो नेक्स्ट इलेक्शंस में लोग उसकी फेवर में वोट नहीं करेंगे। तो इसलिए इलेक्शंस आर मस्ट। अब स्टार्ट यहां से करो ना कि इलेक्शन इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, विदाउट इलेक्शन कंट्री वुड नॉट रिमेन डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट कैन बिकम डिक्टेटोरियल एट एनी टाइम, एंड इफ देयर आर नो इलेक्शंस देयर इज नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द कैंडिडेट्स, नो वन वुड मेक गुड पॉलिसीज प्रोग्राम्स फॉर द कंट्री, कैंडिडेट्स ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल बिकॉज दे हैव टू फेस देम इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, एंड इलेक्शंस मेड देम अकाउंटेबल आंसरेबल, ठीक है। तो इससे आप, इस वे से अगर आप लिखोगे नो नीड टू क्रैम फ्रॉम द बुक, आप अपना जनरल आंसर दो ना कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस टू सिलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव्स, वी नीड इलेक्शंस। अगर हम खुद ही, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक में मेन फीचर ही इलेक्शन है, तो इलेक्शन ही नहीं होंगे तो दिस वीकन द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अपने वे से बना के लिखो ना इसको। नेक्स्ट, अब वो कह रहे हैं कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, इलेक्शंस को कौन सी बात डेमोक्रेटिक बनाती है। लीव इट, बुक में क्या लिखा है, लीव इट, बुक में बहुत ऐसे फालतू का भी लिखा हुआ, आप अपना बताओ, व्हाई, व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, वेरी गुड, के आफ्टर फिक्स्ड टेन्योर होते हैं, वेरी गुड, के टेन्योर फिक्स्ड है,
आफ्टर फिफ्थ सेन्योर ये होने ही होने हैं, चाहे कुछ भी, चाहे कितना कोरोना फैल जाए, जो मर्जी हो जाए, गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हमने इलेक्शंस नहीं करवाने. इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी फिक्स टेन्योर. यस, पीपल हैव फुल राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. देयर इज नो आउटर प्रेशर ऑन द वोटर्स. वोटर्स के ऊपर कोई आउटर प्रेशर नहीं होता. वोटर्स कैन कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. यस, वेरी गुड. एनी वन कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन अवर कंट्री. एवरी वन हैज गिवन राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. Everyone can form political party. People have full right to join, quit any political party. लोग कोई भी political party join कर सकते हैं, quit कर सकते हैं. Depend upon the wish of the voters. वो किसी की भी favour में voting डाल सकते हैं, vote कर सकते हैं. और very good, free and fair होते हैं. Outer pressure नहीं होता. Fixed tenure के होते हैं. One person, one vote, one value. System is followed. हर person की एक ही vote है. Value of vote is same. ठीक है. तो ये सारी चीजें इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं. एवरी नो आप ये भी कह सकते हो कि मनी कैंडिडेट्स कैन नॉट यूज, क्या नहीं यूज कर सकते, कास्ट एंड रिलीजन व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग. कास्ट एंड रिलीजन के नाम पे वोट्स नहीं मांग सकते. कांट डिमांड द वोट्स. कैंडिडेट्स कांट डिमांड द वोट इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. कास्ट एंड रिलीजन के नाम पे वोटिंग वोट नहीं मांग सकते. सेक्रेट सिंबल्स नहीं यूज कर सकते ड्यूरिंग कैंपेनिंग. गुरुद्वारा, मंदिर, कोई भी आप बताओ कि रिलीजियस प्लेसेस यूज नहीं होती व्हाइल कैंपेनिंग. व्हाइल कैंपेनिंग कभी भी रिलीजियस प्लेसेस को यूज नहीं किया जाता. ठीक है, एक तो ये भी हम बात बता सका. कुछ भी इसमें लिखो कि व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक. अभी हर पर्सन की ये वोट है, हर पर्सन के वोट की वैल्यू सेम है. मे बी द वोट ऑफ द प्रेसिडेंट और मे बी द वोट ऑफ द ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, वैल्यू ऑफ वोट इज सेम. So all these and held after fixed tenure, value of vote is same. ठीक है, जो आपके दिल में आता है आप वैसे लिखो. People have full right to elect their representatives according to their choice. Candidates can contest elections. ठीक है, everyone has given right to contest election. यहाँ पे कोई ऐसे government ने qualification भी नहीं fix की हुई. Everyone can contest election. Voting is done by secret ballot. Very good. Voting is done by secret ballot. No one except voter knows in whose favor he or she has casted his vote. You can write. कि ये सारी चीजें elections को क्या बनाती हैं? अब एक मिनट. Is it good? ये बताना. Is it good to have political competition? Yes. Yes. Is it good to have competition among the students? Yes. होएगा तो हर कोई best करने की बच्चे कोशिश करेगा. हर कोई चाहेगा कि मेरे मैंने इस बार इतने. Why not me? ये कैसे आप सोचोगे अगर आप दूसरे बच्चे को, आपकी क्लास का कोई भी टॉपर है तो वो स्पेशल वन नहीं है. फर्क ये है कि उसने कुछ आवर्स ज्यादा लगाए होंगे स्टडी में, कुछ सिंसियरिटी दिखाई होगी. आप जैसा ही बच्चा है, वो आप ही का एज ग्रुप है उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है. जिस दिन आप में ये चीज आ गई ना, why not me, मैं क्यों नहीं, ये क्यों, आप अपने आप टॉपर आप भी आ जाओगे. तो क्या कॉम्पिटिशन होना चाहिए? यस. अगर कंपटीशन नहीं है, कैंडिडेट्स में कंपटीशन ही नहीं है, तो कभी भी बेस्ट मैनिफेस्टो नहीं बनेंगे. कभी भी कोई भी कैंडिडेट बेस्ट प्रॉमिसेस नहीं करेगा किसी के साथ. कैंडिडेट वो बेस्ट फंक्शन करने का सोचेंगे ही नहीं इफ देयर इज नो कंपटीशन. पॉलिटिकल पार्टी हमेशा अपना बेस्ट टू बेस्ट पॉलिसीज बनाएगी इफ देयर इज कॉम्पिटिशन. क्योंकि इलेक्शंस ही तो हैं that attract the voters, that mold public opinion. Political parties mold public opinion in their favor only by their policies and programs. Agar competition hi nahi hoega to apne aap batao ki kabhi bhi aap China ko le lo, yahan pe aap China ki example bata do ki in China there is one party system, there is no competition. Competition hi nahi hai. And we can't say this is a good option for democracy. वो डेमो, क्योंकि democratic countries में there must be competition between political parties, may be only between two, but there should be competition. तो competition होना must है, क्योंकि चाइना को हम खुद ही कहते हैं that is not good option for democracy. तो elections हम कहेंगे कि there should be competition between the political parties. Parties में competition होना is must. Is it clear?